क्या हाल है आपके, मेरा नाम है प्रमोद। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जब से चाइना में जो वीवो का ओरिजिन ओएस है वो लॉन्च हुआ है, उसके बाद आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का कमेंट ये आया है कि जो वीवो का ओरिजिन ओएस है वो ग्लोबल मार्केट में या इंडियन मार्केट के जो भी वीवो के फोन है उनमें ओरिजिन ओएस कब तक प्रोवाइड किया जाएगा। मैं बता दूं दोस्तों, इसके लिए अभी तक कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं थी कि जो वीवो का ओरिजिन ओएस है वो ग्लोबल मार्केट में या इंडियन मार्केट में कब तक लॉन्च किया जाएगा। हाँ, हम जो भी लोग थे वो एक तरह से कयास लगा रहे थे कि 2 से 3 साल लग जाएंगे जो इंडियन मार्केट में या ग्लोबल मार्केट में ओरिजिन ओएस को लॉन्च होने में। फिलहाल वीवो की ओर से एक ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आया है कि जो वीवो का ओरिजिन ओएस है ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, अगर लॉन्च भी किया जाएगा तो कब तक किया जाएगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इसी इंफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे कि जो ओरिजिन ओएस है वो ग्लोबल मार्केट में या इंडियन मार्केट में कब तक लॉन्च किया जाएगा और लॉन्च किया जाएगा भी कि नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों क्या ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आया है वीवो की ओर से। तो दोस्तों मैं बता दूं कि चाइनीज कुछ कंपनियां ऐसी हैं, इसमें बहुत बड़ी कंपनियां भी हैं, जैसे आप वन प्लस की बात कर लीजिए, वो 2 UI यानी 2 ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करती हैं। एक तो होता है जो उनका होम कंट्री यानी चाइना है उसके लिए, और दूसरा जो होता है वो ग्लोबल मार्केट या इंडियन मार्केट के लिए। जैसे आप वन प्लस की बात करें तो दोस्तों वो चाइना के लिए जो उनका UI होता है या ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हाइड्रोजन ओएस होता है, और जो ग्लोबल मार्केट है या इंडियन मार्केट है वहां के लिए वो ऑक्सीजन ओएस यूज करते हैं। सेम ऐसा ही काम अब वीवो करने वाला है, जो कि उनके स्टेटमेंट से ये पता चल रहा है। आप साफ कह सकते हैं कि जो ओरिजिन ओएस है उनका जो होम कंट्री यानी चाइना है उसके लिए बनाया गया है, वो ग्लोबल मार्केट में या इंडियन मार्केट में लॉन्च नहीं किया जाएगा जो वीवो का स्टेटमेंट आया है उसके अकॉर्डिंग। और यहाँ पे उन्होंने साफ कर दिया है कि जो ग्लोबल मार्केट में चलेगा वो फ्रंट टच ओएस ही चलेगा, उसमें ओरिजिन ओएस देखने को आपको नहीं मिलेगा। और ये भी कह सकते हैं दोस्तों कि वीवो के जो भी नए फोन यानी वी सीरीज के, आपके V20, V20 Pro या V20 SE है, ऑलरेडी इनमें फ्रंट टच ओएस 11 का अपडेट मिला है, वहां पे आपको ओरिजिन ओएस का अपडेट नहीं मिला है। अगर वीवो चाहता तो इन फोनों में फ्रंट टच ओएस की जगह ओरिजिन ओएस दे सकता था। और मैं जो स्टेटमेंट आया मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ वहां पे साफ। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि वीवो की ओर से जो ओरिजिन ओएस के लेके क्या स्टेटमेंट आई है उसकी बात करें तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वीवो V15 Pro के एक यूजर है, उन्होंने यहाँ पे पूछा है कि क्या हमारे वीवो V15 Pro में ओरिजिन ओएस आएगा कि नहीं आएगा और कब तक आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्रंट टच ओएस इंडिया का जो है वहां से रिप्लाई आई है, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस, वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट द ओरिजिन ओएस सिस्टम बिलोंगिंग टू वीवो and have been launched in China. As of now, there is no plan to extend in other country. However, if there any news, we will publish our official site. तो दोस्तों इनपे कहना यही है कि अभी फिलहाल जो अदर कंट्री है या ग्लोबल मार्केट है या इंडिया की बात करें तो अभी कोई प्लानिंग नहीं है वीवो की ओर से कि ओरिजिन ओएस लॉन्च करेगा। हाँ, हम लोग ये दोस्तों कह रहे थे कि 2 से 3 साल लग जाएगा, तो ये काफी हद तक उम्मीद यही की जा सकती है कि अगर इंडिया में ओरिजिन ओएस या ग्लोबल मार्केट में आता भी है तो 2-3 साल बाद ही आएंगे, तो हमारे पुराने फोन को क्या होगा उसकी बारे में तो हम बात ही नहीं कर सकते। तो ओरिजिन ओएस के बारे में तो आज का स्टेटमेंट यही है ये। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, धन्यवाद।